हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप फेसबुक के यूजर हैं और फेसबुक की डिलीट चैट को वापस लाना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसे बताते हैं कि फेसबुक की डिलीट चैट को वापस कैसे लाना है, मगर दोस्तों वो प्रूफ नहीं देते हैं। मगर इस वीडियो में प्रूफ के साथ अपने फोन की स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे फेसबुक की चैट को डिलीट चैट को वापस कैसे करना है। इस वीडियो में सोचते लेकर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। अगर दोस्तों आप भी अपनी फेसबुक की डिलीट चैट को रिकवर करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों आपको इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अगर फेसबुक की चैट को डिलीट चैट को अगर वापस करना है तो आपके लिए यहाँ पर फेसबुक लाइट यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको मेन फेसबुक को यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर अपने फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लाइट फेसबुक यूज नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, थ्री लाइंस में चले जाना है। थ्री लाइंस में जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा क्या कोने में, हमें यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हमें यहाँ पे इसकी ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हमें इसको थोड़ा सा ऊपर करना है और हमें यहाँ पे जल्दी से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा दोस्तों नेट स्लो है तो यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है। और उस कुछ देर के बाद में हमें यहाँ पे न्यू पेज जो है ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ रिकवर करने का ऑप्शन जो मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें अगर पोस्ट रिकवर करनी है पोस्ट को कर लेते हैं, मैसेज करना है तो मैसेज को कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से टिक को हटा देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और इसको सारों को हटा देते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे मैसेज को रिकवर करना था, यहाँ पे मैसेज पे टिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑल माय डेटा इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल माय डेटा रहने देंगे और यहाँ पे HTML को HTML ही रहने देंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी जो है वो यहाँ पे हम क्वालिटी इसकी मीडियम कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों ऑल डेटा पे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मतलब यहाँ पे डेट जो है अपने चूज कर सकते हैं, हमें कितने दिन की यहाँ पे डेट जो है जो मैसेज जो रिकवर करने हैं। तो हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं, कुछ भी जो हमें डेट रखनी होती है तो वो इस तरीके से हम डेट कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से उसको सेट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ही टाइम का वेट करने के बाद में एक यहाँ पे हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, नेट स्लो नहीं होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड आती। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्या करना है, अपना जो फेसबुक का पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देना। तो जल्दी से यहाँ पे अपना फेसबुक का पासवर्ड डाल देता हूँ। और फेसबुक का पासवर्ड डालने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जल्दी से अपना फेसबुक का पासवर्ड डाल देते हैं। इससे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, हमें डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद में जो हमारी फेसबुक की फाइल है वो यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। हम इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड पे जाके इस तरीके से हम इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक की यहाँ पे फाइल बन चुकी है, और फाइल बनने के बाद में इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी फाइल कर सकते हैं, एक्सेक्ट फाइल कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे फाइल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड के ऑप्शन पे चले जाते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमको फेसबुक देख सकते हैं, आप हमें फेसबुक का एक जो फाइल है यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम फेसबुक वाली फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेक्ट फाइल टू इस तरीके से क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब यहाँ पे हमें एसडी कार्ड में करना चाहते हैं एसडी कार्ड में, इंटरनल में करना चाहते हैं इंटरनल में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जिस तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा फेसबुक के नाम से, हमें इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा, हम यहाँ पे मैसेज पे क्लिक कर देते हैं।
मैसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक कर देना है, इस पर फिर से क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैसेज के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देते हैं, और मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों HTML में इसको ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो डेट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आज की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ABP न्यूज़ के मैसेज आए हैं सिर्फ, और यहाँ पे कोई भी मैसेज मैंने आज नहीं किया है, किसी से बातचीत नहीं की है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे मैसेज जो देख सकते हैं, और कितने दिन से कितने तक उनका देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, किस टाइम पे हमने मैसेज किए, किस टाइम पे नहीं किए।